नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरावली की। अरावली भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है और यह वर्तमान में अपशिष्ट रूप में है, यानी यह कटा छटा हुआ है। जो पृथ्वी की बाहरी शक्तियाँ होती हैं जैसे पवन और जल, इनकी अपघर्षणकारी शक्तियों से इसकी ऊँचाई लगातार कम हो रही है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ संरचना से हुई है, यानी इसका निर्माण आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगर अरावली पर्वत का विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार गुजरात और इसका मुख्य भाग राजस्थान में है। इसके अलावा थोड़ा सा क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली और यूपी में फतेहपुर सीकरी एवं आगरा की ओर जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वह भी अरावली का ही हिस्सा हैं। अरावली पर्वत को राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें जरगा की पहाड़ी कहा जाता है और राजस्थान के उत्तरी हिस्से में हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है और इसे दिल्ली में दिल्ली रिज कहते हैं। दिल्ली का जो रायसीना हिल का इलाका है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वह भी अरावली पर्वत का ही भाग है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और कहीं कहीं पर 1000 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। अगर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उसका नाम गुरु शिखर है और इसी के पास माउंट आबू हिल स्टेशन भी है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो गुरु शिखर चोटी है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो सिंधु नदी बेसिन है और गंगा यमुना नदी बेसिन है उसके बीच अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है, यानी उनके बीच में डिवाइडर का काम करती है और इससे जो गंगा का बेसिन है वह पूर्व की तरफ बहता है और जो सिंधु नदी बेसिन है वह पश्चिम की तरफ बहती है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला से भी कई नदियां निकलती हैं जैसे बनास, लूनी, साकी और साबरमती। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।